रेसिपी नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम सब इसकी तैयारियों में काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, तो आज मैं दिवाली स्पेशल मिठाई इमरती की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ एडवांस में। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इमरती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप उड़द की दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था, पानी को हटा लिया था। उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसे मैं 4 घंटे के लिए भिगो कर रखूँगी। 4 घंटे या फिर जब तक कि ये दाल सॉफ्ट ना हो जाए। 4 घंटे बाद हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी, इसका पानी मैंने निकाल दिया है और हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करके इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखें, आपको इसमें पानी नहीं यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी यूज़ करें। तो हमारा ये स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से 5 मिनट के लिए विस्क के हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसा करने से जो हमारा उड़द दाल का बैटर है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हवा एरेट हो जाती है और इसमें फिर काफ़ी फ्लफीनेस आ जाता है। तो हमारा दाल रेडी हुआ है, यानी इसे चेक करने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें दाल का थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। अगर ये दाल का मिक्सचर ऊपर तैरता है तो यानी कि हमारी दाल रेडी है। तो अब हम इस दाल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच अरारोट का पाउडर, कॉर्नफ्लावर का या फिर कॉर्नफ्लावर का पाउडर, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, और कुछ बूंदे ऑरेंज रेड फूड कलर की। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये सब कुछ अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़े देर के लिए साइड में रख देंगे और अब हम अपनी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी में 1 कप पानी यानी कि इक्वल अमाउंट में डालें और इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करें। हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमारे सिरप में उबाल आ चुका है। इसे मैं और पका लूँगी जब तक कि इसमें एक तार की कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। इसे मैंने थोड़ा ठंडा करके चेक किया तो इसमें एक तार बन रहा है। तो अब आप गैस के फ्लेम को ऑफ करें, सिरप को कहीं और रख दें जब तक कि हमें यूज़ में ना लगे। अब हम इस दाल के बैटर को एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। आप चाहे तो इसे एक केचप डिस्पेंसर में डाल सकते हैं या फिर वो जो जलेबी बनाने का मोटा कपड़ा आता है उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पाइपिंग बैग में सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। उसके बाद हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे बाहर की तरफ से और इसे हम पुश करते हुए नीचे की तरफ बैटर को। उसके बाद आप टिप को काट ले जितनी मोटी आप अपनी इमरती बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक शेप बताती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम 2 राउंड बनाएंगे और फिर छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी इमरती का शेप रेडी हो गया। आपको ऑयल में भी इसी तरह से करना है। तो अब हम इमरती तलने के लिए तेल या घी को गरम करेंगे। ध्यान रहे हमारा तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऐसे में हमारा तेल बिल्कुल मॉडरेटली हॉट होगा, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब हम इसमें अपनी इमरती को शेप दे देंगे। ध्यान रहे अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म होता है तो हमारी इमरती का शेप नहीं आएगा, और ज़्यादा ठंडा ऑयल हो तो फिर इसमें इमरती अच्छे से पकेगी नहीं। इसीलिए एक बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी मॉडरेटली हॉट, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 5 मिनट इसे गर्म करना है। अब इमरती को हम तल लेंगे और दोनों तरफ से हमें इसे पकाना है। देखिए मैं इसे फ्लिप करके पका रही हूँ दोनों साइड से, और जैसे ही हमारी इमरती अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से।
ऑयल से निकालने के बाद इसे 30 सेकेंड्स के लिए ही बस ऐसे रखें और फिर तुरंत ही इसे चाशनी में डाल दें। ध्यान रहे हमारी चाशनी इस टाइम हल्की गर्म होनी चाहिए और इमरती बिल्कुल ही गर्म होनी चाहिए और इसको 5 मिनट के लिए डुबो कर रख दें चाशनी में। तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इमरती ने अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर लिया है और ऐसे में इमरती का रंग भी थोड़ा बदल जाएगा। तो अब आप अपने इमरती को निकाल लें एक प्लेट में और हमारी इमरती बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने इसे थोड़े पिस्ता के साथ गार्निश कर लिया था। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।